जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित। आज की जो वीडियो होने वाली है, यूपी पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वह कब से होंगे, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन में कराया जाएगा कि ऑफलाइन में कराया जाएगा, वाइवा कब कराया जाएगा, अगर हम प्रैक्टिकल और वाइवा नहीं देंगे तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंत तक सभी लोग देखिए और स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिएगा। देखिये, इस अपडेट के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शोभित का, जिन्होंने इस अपडेट को सबसे पहले प्रोवाइड कराया। आप देख सकते हैं कल के डेट में ईमेल के माध्यम से आई है, बीटीयूपी पे नहीं देखने को मिलती आपको ये चीज। दिनांक आप देख सकते हैं कि 16/2/2022 को शाम को करीब लगभग 9 बजे के आसपास की अपडेट हमें देखने को मिली है। ठीक, हालांकि आई तो थोड़ी पहले ही थी। तो आप देख सकते हैं इसे भेजा गया है बीटीयूपी के सचिव के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानाचार्य, चाहे वह गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो, चाहे प्राइवेट हो, सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए यह चीजें दे दी गई है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। आप लोग पहले बात को ध्यान से समझिएगा। विषय देखिए है विषम सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर 2021 की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न किए जाने के संबंध में। आप कहोगे भैया ये दिसंबर में क्यों कह रहा है, वो भी 2021 कह रहा है, अभी तो 2022 चल रहा है। लेकिन देखिए बात को समझिए, जो आपका सेमेस्टर चलता है वह कब चलता है, वह आपका दिसंबर तक लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन कोरोना वगैरह के कारण से क्या हुआ, सब शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ गया है, जिस वजह से यहाँ पे दिसंबर 2021 दिखा रहा है। डोंट वरी, इससे आपको नहीं लेना देना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं, इसी तरीके से बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। आप लोग को टाइम पे कभी कभी वीडियोस नहीं बन पाती, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को, ठीक है, यह सब इस तरीके की जितनी भी अपडेट है सब चीजें आपको बहुत ही जल्द मिल जाती है। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर से हैं, कोई भी ब्रांच हो आपकी, 4 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, अगर इनमें से कोई आपकी ब्रांच है तो इसका जो मतलब इसके जो क्लासेस हैं वो स्टडी पावर पॉइंट एप्लीकेशन पे ऑलरेडी चल रही है। सेकंड सेमेस्टर क्लासेस सुबह 9 बजे से, 4 सेमेस्टर शाम 3 बजे से, और 6 सेमेस्टर आपका जो क्लासेस है वह आपके चल रही है 5:30 बजे शाम से। इस तरीके से क्लासेस ऑनलाइन लाइव चलती है, आप लोग को पढ़ना है जिसको भी, वो लोग जाइए एडमिशन करा लीजिए और आराम से बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। पढ़ाई में डाउट्स, डोंट वरी, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। डाउटनेट ऐप पे आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पाने के लिए सबसे पहले फोटो को क्लिक करें, क्रॉप करें और उसका तुरंत का तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाएं। इतना ही नहीं, यहाँ पे फ्री में अनलिमिटेड क्वेश्चन के सवाल भी आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप क्लास 6 से 12 तक हैं या फिर पॉलिटेक्निक के भी क्यों ना स्टूडेंट हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट से हो, इतना ही नहीं, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के साथ साथ मैथ और फिजिक्स पॉलिटेक्निक में है, इसके भी सोल्यूशन आप इस पे पा सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आपके घर छोटा कोई है, 9 से 12 तक कोई IIT JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी भी क्लासेस यहाँ पे चलती है, टॉपर्स की भी लिस्ट यहाँ आप देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग डाउनलोड ऐप को डाउनलोड करें। महोदय, कृपया परिषद की परीक्षा समिति में बैठक यानी 11 फरवरी 2022 को एक बैठक हुई जिसमें विषम सेमेस्टर की परीक्षा, स्पेशल बैक परीक्षा, मल्टी पॉइंट, ठीक है, एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम परीक्षा, दिसंबर 2022 के प्रयोगात्मक परीक्षाएं जो भी ऑफलाइन माध्यम से लिखित परीक्षा के पूर्व संपन्न कराई जाए। कहने का मतलब जो आपका ऑड सेमेस्टर का टाइम टेबल आ चुका है उससे पहले, ठीक, 22 से पहले ही आपके सब प्रैक्टिकल वगैरह एग्जाम करा लिए जाए। आगे देख सकते हैं कहा जा रहा है उपरोक्त दृष्टिगत सूत्र है कि विषम सेमेस्टर परीक्षा, स्पेशल बैक, मल्टी पॉइंट, ठीक, दिसंबर 2000 परीक्षा, जो भी 2021 परीक्षा होती थी उसकी प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल परिषद द्वारा आवंटित प्रयोगात्मक परीक्षकों द्वारा ऑफलाइन माध्यम में संपन्न करा करके जो भी उनके अंक दिए जाएंगे उनको btup.ac पर अपडेट करके लॉगिन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है और फटाफट से ये चीज होने वाली है। तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला तो ऑफलाइन होगा, दूसरी चीज कि एग्जाम से पहले यह कराया जाएगा। अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता और आप लोग अभी भी घर पे बैठे हैं तो आप लोग जाइए कॉलेज और पता करते रहिए या टीचर के संपर्क में रहिए, ठीक, अभी बताऊंगा, अगर छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत होगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि यहां यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त परीक्षा प्रयोगात्मक जो परीक्षा है पूर्ण कराते हुए छात्र छात्राओं के जो भी अंक होंगे उनकी ई लिस्ट और साथ ही साथ हार्ड कॉपी, ठीक है, पेपर कोड के बढ़ते क्रम में स्पाइरल बाइंडिंग कराते हुए, ठीक, ये BTUP के कार्यालय में 15 मार्च तक भेज देना है और यह डेट भी दे दी गई है। आगे देख सकते हैं कोई भी समस्या होती है अनुभाग 4 BTUP
@thegreat@gmail.com पर आपको क्या करना, सुनिश्चित करना कॉलेज वाले काम करेंगे, बाकी आप देख सकते हैं आपके जो सेक्रेटरी है मतलब सचिव सुनील कुमार सोनकर जी का सिग्नेचर आप लोग को यहाँ देखने को मिल जाता है। बाकी देख सकते हैं ये कली की अपडेट रही है पूरा। अब देखिए अगर आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम जो वाइवा होने वाला अगर आप लोग उसको छोड़ देते हैं तो आप लोग को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, आपका इंटरनल बैक लग जाएगा। क्या लग जाएगा बताइए, आप हम लोग को बताइए कमेंट करके क्या लग जाएगा, इंटरनल बैक लग जाएगा। और इंटरनल बैक सबसे खतरनाक बैक होती है, अलग वाला है तो आप पास भी कर जाओगे, मतलब उसे किसी तरीके से हैंडल भी हो जाता है, लेकिन इंटरनल बैक लगना बहुत बड़ी बात होती है। और जिसका लग जाता है ना आके बाद में रोता है पछताता है कि भाई क्यों मुझे पहले नहीं पता था। इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सबका प्रैक्टिकल इसका कोई टाइम टेबल तो आएगा नहीं, जिस दिन आपके कॉलेज से बुलाया जाएगा उसी दिन आपको जाना है और प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देकर ही आने और सभी देना है। अब तो कॉलेज भी खुल गए, आपको डेली कॉलेज जाने चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यह रही देखिए फाइनली अपडेट, यह क्या रही आपकी फाइनली अपडेट रही है। तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे, साथ ही साथ इस चीज को आशा करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफलाइन माध्यम में एग्जाम से पहले आप लोग देंगे, कोई भी स्टूडेंट नहीं छोड़ेगा। बाकी जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर से हो कोई भी ब्रांच हो या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर हो इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर हो, ठीक, इनमें से अगर आप हैं और आपने कोर्स अभी तक नहीं परचेज किया या कर लीजिए एडमिशन नहीं करा स्टडी पावर पॉइंट एप्लीकेशन पे तो जाइए एडमिशन करा लीजिए। सब लोग आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। और साथ ही साथ वहां बाय वन गेट वन ऑफर भी चल रहा है, साथ ही साथ इतना ही नहीं वहां पे अगर आपके पिछले सेमेस्टर की रिवीजन क्लासेस भी चलाई जाएंगी तो इसलिए बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।